अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन टेस्ट की फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए गूगल फॉर्म जो है वहाँ पे हम अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसका लिंक अपने स्टूडेंट्स को सेंड करके उनसे टेस्ट ले सकते हैं और वो अपना रिजल्ट भी व्यू कर सकते हैं फ़ौरन और हमें उनकी एवेल्यूएशन भी मिल जाएगी। तो उसको हमने किस तरह से क्रिएट करना है वो हम देखते हैं। फॉर्म को सबसे पहले तो उसको हम ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र को। वेब ब्राउज़र को ओपन करके हम टाइप करेंगे गूगल फॉर्म। हमने टाइप कर लिया, ये हमारे पास गूगल फॉर्म्स की ये क्रिएट एंड एनालाइज की ऑप्शन आ गई google.com पे। ये दो ऑप्शंस आ गई, हमने पर्सनल है, बिजनेस है, हमने पर्सनल फॉर्म जो है क्रिएट करना है। और इसके बाद ये ब्लैंक फॉर्म है, ये जो ऑलरेडी आपके पास अगर पहले फॉर्म बने हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ब्लैंक फॉर्म जो है इस पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे आपके पास ऑप्शन आ गई है एक अनटाइटल्ड फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है इसमें क्वेश्चंस हैं, रिस्पॉन्सेज हैं और ये ऑप्शंस आ रही हैं। ये देखें टाइटल है और ये इसकी ऑप्शंस आ रही हैं कि आपने MCQ चेक बॉक्स फाइल करनी है, अपलोड करनी है, डेट टाइम डालनी है, पैराग्राफ शॉर्ट आंसर क्या चीज़ आपने इंसर्ट करना है, किस तरह का फॉर्म बनाना है। ये जो प्लस का साइन है यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे और ये आपने कोई क्वेश्चन इंपोर्ट करने हैं, ये डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, इमेज वगैरह ऐड करनी है, वीडियो या सेक्शन बनाने हैं क्वेश्चन के, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए ओके। तो ये यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो इसकी एक हमने सेटिंग करनी है। सेटिंग में जाके यहाँ पे ये जनरल है फॉर्म, प्रेजेंटेशन है क्विज़, हम क्विज़ बना रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और मेक दिस क्विज़ कर देंगे। इसको ऑन कर दिया और सेव हो गया। अच्छा, अब ये देखें आपके पास आ गया है, नीचे आंसर की भी आ गया, पहले नहीं था। सबसे पहले तो इसका टाइटल आप कॉलेज का नेम लिख लें और इसके बाद क्लास लिख लें और ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 7 लिखेंगे डैश ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया और मैं MCQs ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, MCQs बनेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें मैं लिख देती हूँ R। फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगी तो सेकेंड ऑप्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगी M और यहाँ पे थर्ड। अब इस जो आपने आंसर की सिलेक्ट करनी है वो जैसे जो आपको पता है आंसर, ये आंसर की जो है ये आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स पॉइंट्स का मतलब आपने कितने पॉइंट का आप बना रहे हैं। 1 पॉइंट आ गया और आंसर मेरा ये वाला है जो करेक्ट आंसर, देखें ग्रीन हो गया, इसको आप डन कर दें। एक आपने इसको मार्क्स दे दिए 1 पॉइंट और यहाँ से डन। अब आप प्लस पे करेंगे और नया क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं टाइप कर रही हूँ, ये मेरा क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट। और यहाँ पे ऑप्शन में अब मैं लिख देती हूँ सेकंड में, थर्ड में ओके, ये मैंने बना लिए। और आंसर की में अब इस पर सेलेक्ट क्लिक किया तो ये इसको 1 पॉइंट दूंगी और ये मैंने जो करेक्ट आंसर था इस पर सेलेक्ट कर लिया, ग्रीन हो गया और ये डन हो गया। इस तरह से आपने जितने भी क्वेश्चन ऐड करने हैं वो करते जाएं। और नंबर 1 इसमें जो एक चीज़ मैंने ऐड करनी थी, स्टार्ट में करनी थी, लेकिन आपको क्वेश्चन क्वेश्चन बनाने का मेथड भी बताना था, तो वो ये है कि आपने अपना स्टूडेंट का नेम कैसे एंटर करना है। स्टूडेंट के नेम एंटर करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन एक हम बना लेंगे इधर से ऑप्शन
मैं क्या करूँगी, शॉर्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम, या फिर राइट योर नेम लिख दें, ठीक है, राइट योर नेम, नेम एंड रोल नंबर। चलें, ये एक क्वेश्चन ही हो गया। अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर में वो दे देगा, और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड सेलेक्ट कर दूंगी क्योंकि ये फिर कंपलसरी हो जाएगा, और इसका पॉइंट मैं नहीं लगा रही क्योंकि ये जो है ये इसमें इसके कोई मार्क्स नहीं है। तो ये मैंने दो क्वेश्चन बना लिए हैं छोटे से, और ये चीज़ अब ये तो नीचे आ रही है, तो आप बेशक इसको नीचे रहने दें, लेकिन आप इसको ऊपर, सबसे ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो इस पे देखें, यहाँ ये कर्सर ये इस तरह से आ गया, इसको ड्रैग करें और ऊपर इसको ले जाएं, ठीक है, ये ऊपर ले गए, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर ले गई मैं। व्हाट इज़, ये लिखेंगे राइट योर नेम। ओके फाइन, ये मेरा हो गया, कंप्लीट हो गया, इतना छोटा सा मैंने एग्जाम्पल ही लेनी थी। और ये है रिस्पॉन्सेज, यहाँ से आपको जब वो जैसे जैसे वो करते जाएंगे टेस्ट, तो आपको यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, आपको मार्क्स वगैरह पता चल जाएंगे किस किस स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किया है। और ये आपका क्वेश्चन पेपर था, अब आप इस पे करेंगे क्लिक, सेंड पे, सेंड पे क्लिक किया। अब ईमेल करना चाहते हैं, ये जो है यहाँ से आप लिंक, तो लिंक जो है बेहतर है, लिंक ये आपके पास आ गया, और ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, ये कॉपी हो गया। अब आप इस लिंक को अपने व्हाट्सएप पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं सेंड, और स्टूडेंट जो है वहाँ से ओपन करके इसको करेंगे फिल। अगर आपने ईमेल करना है अपने फॉर्म को, तो आप सेंड पे क्लिक करें और ये ईमेल आ गया है, ईमेल पे अपना ईमेल आईडी लिखें जिसको भी सेंड करना है। ये मैंने एक ईमेल आईडी लिख दी, सब्जेक्ट टेस्ट लिख लें, आगे टेस्ट लिख लें, ठीक है, और इंक्लूड फॉर्म, ये इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा आपने कुछ और भी लोग जो ऐड करने, यहाँ से ऐड कर सकते हैं और सेंड कर दें, सेंड हो जाएगा। मैंने अपने अकाउंट ओपन किया जिस पे मैंने सेंड किया था, और ये मेरा टेस्ट आ चुका है, इसको मैं रिसीव करूँगी एज ए स्टूडेंट, ठीक है। और ये मैंने ओपन कर लिया, सबसे पहले तो मैं अपना जो नेम पूछा, नेम मैंने एंटर किया, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन एम ये हो गया, उसके बाद सबमिट, ठीक है, सबमिट, इस पर क्लिक किया, ओके किया, तो ये मेरे पास स्कोर आ गया, इसको मैं व्यू कर सकती हूँ। मैंने चेक किया, ये देखे मेरा 2x2 है पॉइंट्स, और इसके अलावा मेरा नेम भी ऊपर आ रहा है, रोल नंबर मैंने एंटर खैर नहीं किया था, और बाकी जो है मुझे ये भी पता चल गया कि इसके राइट आंसर कौन से थे, और मुझे अपने रॉन्ग आंसर्स का भी पता चल जाएगा। तो अब ये जो मेरा फॉर्म था उसमें मैं रिस्पॉन्सेज चेक करूँगी कितने स्टूडेंट्स ने, तो ये मेरे पास 3 रिस्पॉन्सेज आ गए हैं, तो ये मैं इसकी सारा डेटा जो है एनालाइज कर सकती हूँ इसमें, ये एवरेज 11 मीड रेंज और सब कुछ। अच्छा, अब इसके बाद ये जो क्वेश्चंस भी देख सकती हूँ कि कितने अटेम्प्ट किए, आंसर कितने थे सही और रॉन्ग कितने हैं, और इंडिविजुअल्स का भी रिजल्ट जो है वो मैं चेक कर सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा था आज का गूगल फॉर्म का, फॉर ऑनलाइन टेस्ट दिस इज़ द इजी वे। और आप, आई होप कि आपको ये इस वीडियो की समझ आई होगी, और आप अगर कोई नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।